नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकत क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। BCCI ने टीम इंडिया के इस स्क्वाड में कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है तो साथ ही कई दिग्गज खिलाड़ियों की भी यहाँ पर T20 क्रिकेट में वापसी हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 19 सदस्यीय भारतीय T20 टीम का ऐलान हुआ है, तो आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया T20 सीरीज़ में शानदार परफॉर्मेंस करे। तो दोस्तों 5 मुकाबलों की T20 सीरीज़ के लिए यहाँ पर IPL में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले राहुल तेवतिया को टीम में शामिल किया गया है। राहुल तेवतिया ने राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया था। इसके अलावा यहाँ पर टीम में शामिल किया है वरुण चक्रवर्ती को, तो साथ ही साथ ईशान किशन को भी मौका दिया गया है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को भी टीम में जगह मिली है, यानी कि कई शानदार खिलाड़ियों को इस बार इस स्क्वाड में जगह मिली है और वो शानदार परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया की जीत तय कर सकते हैं। तो दोस्तों सीरीज के 5 मुकाबले इस अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाना है, यानी कि मोटेरा स्टेडियम में, जहां पर पहला T20 12 मार्च को खेला जाएगा, तो दूसरा 14, तीसरा 16, चौथा 18 और पांचवा 20 मार्च को खेला जाएगा और इनके लिए टीम घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों इस T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज बुमराह और शमी को आराम दिया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। शमी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान चोट लगी थी, इस वजह से उन्हें दौरा ही बीच में छोड़ना पड़ा था। वहीं बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ चल रही मौजूदा टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं और उन्हें अब आराम दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें भारतीय टीम की तरफ से स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार की 14 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 14 महीने बाद टीम में जगह दी गई है। भुवनेश्वर ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 11 दिसंबर 2019 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। वे फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे हैं और अब उनकी इस सीरीज़ में वापसी हुई है। वहीं पर भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी T20 में वापसी हुई है। शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिसका फ़ायदा उन्हें यहां पर मिला T20 क्रिकेट में भी और उनकी शानदार वापसी हुई है। इसके अलावा टीम में हार्दिक पांड्या जैसे शानदार ऑलराउंडर मौजूद है, तो साथ ही साथ रविंद्र जडेजा को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में से मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए उन्हें भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। जडेजा भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे, यानी कि टीम इंडिया में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही इस बार युवा खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाया है इंडिया के मैनेजमेंट ने और ये टीम वर्ल्ड कप को देखते हुए यहाँ पर चुनी गई है, क्योंकि इस बार का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। तो यहाँ पर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे पूरी स्क्वाड, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं उन युवा खिलाड़ियों के बारे में जो कि पहली बार टीम इंडिया की तरफ से इस सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल IPL के शानदार प्रदर्शन के चलते 4 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। उसमें सबसे पहला नाम आता है राहुल तेवतिया का, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया था, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर टीम में जगह मिली है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी के तौर पर हम बात करते हैं ईशान किशन की, तो ईशान किशन भी काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं और उनकी शानदार बल्लेबाजी के चलते ही उन्हें यहाँ पर टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी के चलते उन्हें टीम में शामिल किया गया है। हालांकि उन्हें शामिल तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी किया गया था, लेकिन वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट हैं और इस सीरीज़ में हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर काफ़ी दिनों से अपने बल्ले से कमाल कर रहे सूर्य कुमार यादव को भी पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और इस बार सेलेक्टरों ने उन पर भरोसा जताया है और उनको टीम इंडिया में जगह दी है इस T20 सीरीज़ के लिए भी। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं भारत की पूरी 19 सदस्यीय टीम के बारे में कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी हैं पूरी स्क्वाड में। तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे विराट कोहली, तो उनके साथ उप कप्तान होंगे रोहित शर्मा। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल रहने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी शानदार बल्लेबाज भी है, तो वो कमाल कर सकते हैं। इसके बाद चौथे खिलाड़ी के तौर पर टीम की तरफ से शिखर धवन रहने वाले हैं। भारतीय टीम के सबसे अनुभवी ओपनर है शिखर धवन। तो वहीं पर पाँचवें खिलाड़ी के तौर पर सरयास अय्यर रहने वाले एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर। तो टीम में छठे खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है हार्दिक पांड्या। तो सातवें खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है ईशान किशन। आठवें खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है सूर्य कुमार यादव।
तो 9वें खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है टीम में। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 10वें खिलाड़ी के तौर पर यहां पर शामिल किया गया युजवेंद्र चहल को, तो 11वां खिलाड़ी है वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 12वें खिलाड़ी की, तो वह है अक्षर पटेल। तो वहीं पर 13वें खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है राहुल तेवटिया। 14वें खिलाड़ी है वाशिंगटन सुंदर। तो 15वें खिलाड़ी है टी नटराजन। इसके बाद 16वें खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार, यानी कि स्विंग के किंग की यहाँ पर वापसी हुई है इस सीरीज में। काफ़ी दिनों के बाद हमें खेलते हुए नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार। तो इसके बाद 17वें खिलाड़ी के तौर पर स्विंग के एक और किंग दीपक चहर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर 18वें खिलाड़ी के तौर पर नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। और 19वें खिलाड़ी है सरदोल ठाकुर। यानी कि टीम इंडिया एक शानदार बैलेंस टीम नजर आ रही है, जिसमें कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की ये स्क्वाड इंग्लैंड की टीम को T20 क्रिकेट में टक्कर दे पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।